तो 7 साल से मेडिसिन खा रहे थे पेट की दर्द की? हाँ जी, 7 साल से मेडिसिन खाती थी, अल्ट्रासोन, एक्सीरा, शरीर की सारी चेकअप हुई, शरीर में कुछ आता ही नहीं था। अच्छा, मतलब टेस्ट करवाते थे, कुछ आता ही नहीं था? हाँ जी, कुछ नहीं आता था। तो फिर उसके बाद और आपको क्या क्या आ गया बीमारी जो बताओ? उसके बाद टाइफाइड आ गया, फिर टीबी की प्रॉब्लम आ गई। टीबी आ गई? हाँ जी। फिर आपने यहाँ पे आना शुरू कर दिया? हाँ जी, मैंने यहाँ पे आना शुरू किया। क्या जब आप आते थे, क्या आप जहाँ पे जब आते थे क्या सुनते थे, क्या विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे इन सब रोगों से चंगा कर सकते हैं कि नहीं? मैं गवाही सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, परमेश्वर की जितनी वचन सुनती थी कि परमेश्वर हर किसी के दुख दूर करने वाले परमेश्वर आ गए, जरूर मेरे भी दुख जरूर दूर करेंगे वो। आप समझ गए कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन दुख दूर करता है, ये बात आपको समझ आ गई? हाँ जी परमेश्वर। तो आपको समझ आ गई कि दुख दूर करने वाला परमेश्वर मेरे जीवन में भी आ गया है, तो मेरे भी दुख क्या कर देगा? दूर कर देगा परमेश्वर। क्या दूर कर देगा? तो जब भी आप गवाहियां सुनते थे, तो जो भी आप गवाहियां सुनते थे तो आप विश्वास करते कि अगर परमेश्वर ने इन्हें चंगा कर दिया, इन्हें फ्री कर दिया, तो मुझे भी क्या करेगा? मुझे भी फ्री करेगा परमेश्वर। मैं हमेशा खुश रहती थी कि परमेश्वर, मैं जितनी गवाही सुनती मैं हमेशा खुश रहती थी। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम कृष्णा है और जो रजिंद्रा नगर की रहने वाले, और इस सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि जब इनकी मैरिज नहीं हुई थी उससे 3 साल पहले इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, रात के समय बहुत ज़्यादा भयानक दर्द थी, जिसके कारण जे बता रहे कि 3 साल से जे बहुत परेशान हो चुके थे, जे बता रहे कि जे लगातार मेडिसिन खा रहे थे पर इन्हें दर्द का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जे बता रहे हैं कि इसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे, जब भी जे डॉक्टर के पास आ रहे थे अलग अलग डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे थे, तो जे बता रहे कि डॉक्टर का कहना था कि आपके पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिसकी वो लगातार मेडिसिन दे रहे थे, पर फिर भी जे बता रहे कि दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ा था। और जे बता रहे कि फिर इनकी मैरिज हो गई, अब इनकी मैरिज को 4 साल हो गए, अब तक भी जे बता रहे कि इस दर्द से जे आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, इतना ज्यादा जे परेशान थे, और जे बता रहे कि मैरिज से पहले और अब तक जे दर्द हो रही थी, और जिसके कारण इन्हें अभी 7 साल हो गए, 3 साल पहले और 4 साल अब, और 7 साल से जे इस प्रॉब्लम के कारण इतना ज़्यादा परेशान है कि बहुत ज़्यादा, जे बता रहे हैं कि रात के समय जब इन्हें दर्द होती थी तो उस समय जे बता रहे कि इन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मेडिसिन भी इन्हें, मेडिसिन से भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, और जे बता रहे कि रात के समय भी फिर इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। तो सिस्टर जी आप थोड़ा बताइए कि जब मैरिज से पहले और अब तक जो दर्द जब आपको होती थी, आप कितना परेशान रहते थे और आप इस तकलीफ में कितनी चिंता में थे, आपके मन में कैसे विचार आते थे? जय मुसीदी पापा जी ने, जय मुसीदी मम्मा जी ने, जय मुसीदी सारे कलेसिया नु, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ से ही, बहुत ज़्यादा टेंशन से कि मेरे बच्चे ने किन्ने वेखना करके, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। और आपका एक ही बेटा था और वो भी कितने साल का है? 4.5 साल का। और जब आपका रात के समय बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी तो आप पूरी पूरी रात, आपने बताया आप सो भी नहीं पाते थे? हाँ जी, पूरी पूरी रात सोती नहीं थी। और कभी कभी तो आपको रात के समय ही डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था? हाँ जी, टीके से भी असल में 2-2 टीके लगने दे ही मैंने, तो 2-2 इंजेक्शन भी आप लगवा लेते तो, पर फिर भी आपको दर्द का फर्क नहीं पड़ता था? नहीं। और इसके लिए आपने ये भी बताया कि आप ऐसे जो अलग अलग डॉक्टर से मेडिसिन खा रहे थे, तो डॉक्टर ने आपको बोला कि आप टेस्ट कराएं, पर टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा था? नहीं, कुछ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर जब आपको लगातार मेडिसिन दे रहे थे, आपने जो बताया कि आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाते थे और कोई आपको कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, उस समय आपको आपको कैसे लगता था कि डॉक्टर आपको कौन कौन सी बीमारी बताए जा रहे थे? कोई कहते हैं कि कैंसर या कोई कहते हैं कि सूजन या कोई कहते कोई रसोली या, और जैसे कि डॉक्टर आपको कहते कि आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, और आपने ये भी बताया अभी
कि कोई कहता कि आपको पत्थरी भी हो सकती रसौली भी हो सकती है। हाँ जी सारे दही बोल दे। पर जब भी आप टेस्ट करवा रहे थे पर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। नहीं कुछ नहीं होता, सारी मशीन थे पूरा शरीर चेक होया ही मेरा फिर भी कुछ नहीं होता। इस प्रॉब्लम के कारण आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा, आपने बताया इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई थी, इतनी ज्यादा कमजोरी आ रही थी, क्योंकि आप जो कुछ भी खा रहे थे आपकी बॉडी को कुछ भी लग नहीं रहा था। हाँ जी कुछ नहीं लग रहा था, करके पेट दर्द हमेशा ही रहते हैं, कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते। और आपने जो बताया कि आप हल्का भी खाते थे तो फिर भी आपके मन में ऐसा होता था कि अगर मैं हल्का खा लेती हूँ कि शायद इससे मेरी प्रॉब्लम कम हो जाए, पर उससे भी कुछ नहीं होता था। हाँ जी कुछ नहीं होता ही उससे भी। और इसके कारण आप बहुत परेशान हो चुके, इस प्रॉब्लम के कारण तो जो बहन परेशान ही थी, प्लस जो बता रहे कि आज से 3 महीने पहले फिर इनको पहले टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम आ गई, फिर वो भी लगातार इसकी भी मेडिसिन खा रहे थे। जो बता रहे कि टाइफाइड की जो मेडिसिन खा रहे थे, जो बता रहे कि 2 दिन की मेडिसिन डॉक्टर इन्हें 200 की दे रहे थे, 200 रुपए के देते थे, और जो पेट दर्द की इन्फेक्शन की लगातार मेडिसिन खा रहे थे वो जो बता रहे कि सिर्फ 500 के वो 10 दिन 3 दिन की सॉरी 3 दिन की 500 की मेडिसिन देते थे। इसके कारण जी काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि बहुत ज्यादा इनके पैसे मेडिसिन में खर्च हो रहे थे और इसके कारण जी बहुत परेशान हो चुके थे। तो सिस्टर जी आप थोड़ा बताइए, जब आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम थी तो उस समय आपकी बॉडी में और कितनी ज्यादा कमजोरी आ गई थी, उसके कारण आपको रोज ही फीवर हो जाता था, तो आप कितना परेशान हो गए थे। बहुत ज्यादा कमजोरी ही मैम, वो शरीर मेरा कामदा ही पूरा, मैं तोड़ दी है तो शरीर कामदा ही पूरा। आपने जे भी बताया कि इस प्रॉब्लम के कारण आपकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। हाँ जी दर्द रहती है। और जे तो प्रॉब्लम से परेशान थे, फिर इन्होंने जब टेस्ट करवाया तो इनको डॉक्टर ने बताया कि टीवी की प्रॉब्लम आ गई है, और 3 महीने हो गए थे कि इनको टीवी की प्रॉब्लम हो गई थी और इतनी ज़्यादा बॉडी में प्रॉब्लम आ रही थी कि जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे। जे बता रहे कि 7 साल से तो पहले इनकी पेट की प्रॉब्लम सही नहीं हो पा रही थी, फिर इन्हें टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम, टीवी की प्रॉब्लम, फिर इसकी मेडिसिन शुरू हो गई, और जिसके कारण जे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे। क्योंकि जे सिस्टर बता रहे कि जितना भी जे अपने घर में अपना मन लगाना चाहते थे, इनके घर में भी इनका मन नहीं लगता था, क्योंकि इनका जो बेटा वो भी बहुत अभी छोटा था, और जब बता रहे कि उसकी और भी इनका ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जे खुद अपनी कंडीशन को अपने हालात को देखकर इतना परेशान हो चुके थे, जे अपने घर का कोई भी काम काज नहीं कर सकते थे, इतना परेशान हो चुके थे। और जे सिस्टर बता रहे कि जब इन्हें परमेश्वर की गुड न्यूज़ मिली, और जे बता रहे क्योंकि जे बिल्कुल भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करते, कैसे हम विश्वास करते तो प्रभु हमें चंगा कर सकते, जब बिल्कुल भी प्रभु के बारे में नहीं जानते थे, पर जब इन्हें प्रभु की गुड न्यूज़ मिली, और जैसे जे 2 महीने पहले यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जे संगति को इन्होंने अटेंड किया, तो जे बता रहे कि जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, क्योंकि जे तो कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल नए थे, फिर इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ जब बात की तो खुदा के दास ने इनको टीच किया, उत्साहित किया कि कैसे हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, और कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर सब बीमारियों को दुखों को उठा चुके। तो इनको बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मार खाने से हम बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं, और फिर इन्हें पॉजिटिव प्रेयर के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में, इस मिनिस्ट्री की टीचिंग के बारे में लगातार इन्हें टीच करते रहे। और जो बता रहे कि जब जे लगातार मीटिंग अटेंड कर रहे थे, गवाहियों को सुन रहे थे, तो सिस्टर जी आप बताइए कि जब आपने 1 महीना ही लगातार मीटिंग अटेंड की तो आप कैसे विश्वास करते थे जब गवाहियों को सुनते थे। जब गवाहियों को मैं सुनती तो मैंने बड़ा खुशी होती अपने दिल से कि हाँ मैं भी ठीक हो जाना, परमेश्वर ने मैंने भी चंगा कर ही देना। तो जो आपकी टाइफाइड की बुखार की प्रॉब्लम थी, जब आपने लगातार मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो कितने समय में परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया था। 1 दिन से ही फ्री करता ही परमेश्वर ने। बल टाइफाइड की जो प्रॉब्लम थी आपको परमेश्वर ने पहले दिन अच्छा कर दिया, पर आपने लगातार अपने 1 महीना चेक किया तो आपको बिल्कुल भी फीवर नहीं हुआ। नहीं पूरी फ्री हो चुकी, शरीर जड़ा कामदा ही कमजोरी लगती पूरी फ्री हो चुकी मैं। तो जैसे कि इनको परमेश्वर ने टाइफाइड बुखार से तो बिल्कुल 1 महीने से इन्होंने चेक किया तो इनको बिल्कुल फीवर नहीं हो रहा था, इनकी प्रॉब्लम सही हो गई थी, पर अभी पेट में दर्द रहती थी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी और टीवी
टीबी की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अभी इनकी बॉडी में थी, पर उसके लिए भी जी लगातार विश्वास कर रहे थे, क्योंकि इनका जो विश्वास जी सुन रहे थे जी गवाहियों की ओर जी अपना मन लगाते थे। जब भी जी गवाही सुनते थे तो जी धन्यवाद से रिसीव करते थे कि परमेश्वर जैसे आप इनके जीवन में कर रहे हो, मेरे जीवन को भी आप अच्छा कर चुके हो। जैसे जी हर समय लगातार जी मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वचन को सुन रहे थे, गवाहियों को सुन रहे थे, तो जी सिस्टर बता रही कि परमेश्वर ने मेरी उस प्रॉब्लम से तो मुझे फ्री कर दिया, पर जब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड दिया कि 3 वीक्स फुली ले एंड मीटिंग होगी और आपने इन मीटिंग को अटेंड करना है, तो जब इस सिस्टर ने भी इस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया और जे लगातार धन्यवाद दे रहे थे, और जब इन्होंने 3 मीटिंग अटेंड की तो इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा ले एंड प्रार्थना हुई थी। हम उस समय के वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। छोड़ जो उसने तूने पेट में इन्फेक्शन जो टीबी दी, छोड़, शट, गंदी आत्मा, शट, शट, फ्री, फ्री। कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लेन प्रार्थना हुई थी और जो लगातार धन्यवाद करते रहे, तो जो बता रहे कि जो कि इनके पेट की दर्द थी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, उससे भी परमेश्वर ने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया। फिर जो बता रही कि जो टीवी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब भी डॉक्टर ने पहले रिपोर्ट की थी वो रिपोर्ट इन्हें दी नहीं थी, डॉक्टर ने बताया था कि आपको टीवी की प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है और आप इसका लगातार ट्रीटमेंट कराना है आपको 3 महीने तक, पर जो मेडिसिन खा रहे थे पर फर्क नहीं पड़ा था। पर जब इन्होंने ले एंड प्रार्थना की और जो बता रहे फिर जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट अब कराई है, तो अभी हम उस रिपोर्ट को देखते हैं, तो अब इनकी जो रिपोर्ट आई है जो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि इनकी बॉडी में टीवी की प्रॉब्लम है और लगातार इन्हें 3 महीने तक मेडिसिन खानी होगी, और जो पेट में दर्द रहती थी, इन्फेक्शन रहती थी, आज सच में क्लीसिया परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से और इनके विश्वास सुनने से, जो लगातार एक जो अच्छा विश्वास अच्छे मन से सुन रहे थे, तो परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। तो सिस्टर जी अभी आप बताइए कि जो आपकी 7 साल से पेट में दर्द रहती थी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, आप अपने घर का काम नहीं कर सकते थे, अभी आप बताइए आप कैसे हो और कितना खुश हो? अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं सारे काम भी करती हूँ, घर के बच्चे भी देख लेती हूँ, अच्छा परमेश्वर के घर भी आ जाती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं सारी दुख से सारे हालात से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे चुके हैं। तो सच में क्लीसिया आप देख सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल गवाही नहीं है, जो कि 7 साल हो गए थे इस प्रॉब्लम में जो सिस्टर परेशान थे, पर जैसे जे बिल्कुल नए थे, पर जब इन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखा, उस वचन को अपने जीवन में जो खुदावन के दास ने इनको टीच किया, इन्होंने पर्सनल मीटिंग की, इन्होंने सीखा और लगातार जो मीटिंग, इन्होंने संडे की मीटिंग को मिस नहीं किया, और खासकर इन्होंने गवाहियों पर अपना मन लगाकर गवाहियों को सुनते रहे, रिसीव करते रहे, तो आज परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। तो सिस्टर जी आपने ये भी बताया कि पहले आपके 7 साल हो गए कि मेडिसिन भरे, मेडिसिन में ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, कितने पैसे आज तक आपने खर्च कर दिए होंगे? कम से कम 1-1.5 लाख खर्चे हो चुके हैं मैम। 1-1.5 लाख। तो अब जब से परमेश्वर ने आपको अच्छा कर दिया है, अब आपको परमेश्वर ने ब्लेस भी किया, उस वो ब्लेसिंग भी आप बताएं। हाँ जी मैम, जो दवाइयों में पैसे लगते थे, परमेश्वर ने जब से यहाँ आई हूँ तो सारे पैसे बचे हैं, तो मेरे घर में कूलर भी आ गई, टीवी भी आ गई, परमेश्वर के बल। तो सच में क्लीसिया जी नॉर्मल नहीं है। एक दिन जी बहन इतना परेशान थी, आपने सुना कि 1.5 लाख रुपया इन्होंने अपनी मेडिसिन पर, दवाइयों पर खर्च कर दिया था, पर आज जैसे परमेश्वर ने इनको अच्छा किया, तो परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग भी इनके जीवन में दी, जो कि इनके घर में टीवी नहीं था, कूलर नहीं था। तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में करते, जैसे वचन में, कलाम में परमेश्वर ने लिखा है कि जो कुछ हम सोचते भी नहीं है, तो परमेश्वर हमारी सोच से भी ज्यादा करते। तो सच में क्लीसिया जो नॉर्मल गवाही नहीं है, आज परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से इस बहन के जीवन से पूरी तरह एक एक बीमारी को परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दे दिया और अपनी ब्लेसिंग भी दिए।
इस गुवाही के लिए जबरदस्त तालियों के साथ हम खड़े होकर कलीसिया परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कितने लोग आज खुश हैं, परमेश्वर की प्रेज करना चाहते हैं, और जो लोग भी हालातों में वो खुशी से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि वो परमेश्वर किसी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं जो खुदा कर ना सके। पर जो सिस्टर अभी बिल्कुल नए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, पर खुदा ने आज इनके जीवन से 7 साल की उस प्रॉब्लम से इन्हें फ्री कर दिया है। जोर से कलीसिया तारीफ करे। खुशी से क्या आप खुश नहीं हो, तो आपकी तालियों के वास पूरी तरह से आनी चाहिए, ताकि आज शैतान शर्मिंदा हो जाए। कलीसिया, आपके जीवन भी बदल जाएंगे अगर आप अपने जीवन में इस गवाही को रिसीव करते हो। हालेलुया। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर हमारे जीवन में कहते, जैसे कुछ सिस्टर तो बिल्कुल नए, तो जैसे तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों के लिए हर दिन परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं, परफेक्टिक वर्ड दे रहे। जैसे कि पिछले दिनों में भी खुदावन ने अपने दास के द्वारा वर्ड दिया था, परफेक्टिक वर्ड, कि जैसे जो दो लाइनें आकर टाइम पर आएंगी तो परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा ले एंड प्रार्थना होगी। पर जिन लोगों ने तो उन वचन को पूरा किया तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस भी किया। पर जो कुछ लोग जो शरीर में होते हैं, जो उन वचनों को अपने जीवन में उस मान से नहीं लेते, तो वो कैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाएंगे, कैसे परमेश्वर के कामों को देखेंगे। पर आपने देखा कि जो बहन बिल्कुल नहीं है, जो कुछ भी ज्यादा नहीं जानती, पर इन्होंने सुनकर विश्वास किया, गवाहियों को ही सुना, तो परमेश्वर ने आकर पहले समय जो इनकी जो टाइफाइड की प्रॉब्लम थी, तो खुदा ने उससे इनको फ्री कर दिया। अगर आप भी ऐसा मन देते हो, जो वचन खुदा अपने दास के द्वारा दे रहे, प्रतिदिन आप लोगों को परमेश्वर अपने दास के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी उन्नति के लिए, आपके छुटकारे के लिए, अपनी की ब्लेसिंग के लिए, तो आपको रिसीव करना चाहिए, ताकि आप लोग भी सेम ना रहें। परमेश्वर आपको गवाहियों के साथ खड़ा कर दे। कलीसिया, हम सब जोर से खुशी से तारीफ करेंगे। क्या नाम क्या आपका? करिश्मा पापा। हा? जी करिश्मा। करिश्मा, 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 करिश्मा। कहाँ के रहने वाले हो आप? ओडिशा की। ओडिशा के। यहाँ पे आपको आते हुए कितना टाइम हुआ? 3 महीना हो गया यहाँ आए हुए। 3 महीना हो गई। 3 महीने से आ रहे हो? हाँ जी। क्या 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 प्रॉब्लम थी, सारी बताओ एक बार फिर से। पेट में बहुत दर्द होती थी। कितने साल से थी? 7 साल हो गए। 7 साल से। जब आपके पेट में दर्द होती थी, तो जब पेट में दर्द है तो तब तो खाने को दिल नहीं करता, फिर आप क्या करते थे? नहीं पापा जी, खाती नहीं थी, बहुत पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी हमेशा। अच्छा, खाती नहीं थी? हाँ, खाना खाती थी तो फिर भी दर्द होती रहती थी, तो खाती ही नहीं थी फिर। अच्छा, खाती नहीं थी फिर, इसीलिए आप इतने दुगले हो गए, है ना? हाँ जी। तो कैसे फिर 7 साल तक क्या खाते थे फिर आप? थोड़ी बहुत ऐसे खाना ना खाती थी, फिर दर्द हटती नहीं थी, दवाई खाती रहती थी, बस थोड़ा बहुत ही खाते थे। जी, थोड़ा बहुत ही खाते। अब जिंदा रहना भाई, खाना तो पड़ेगा ना, चाहे पेट में क्या है। अब सोच लो तुम ये कितनी तकलीफ में थी 7 साल से। अच्छा, फिर उसके लिए मेडिसिन खाते थे? दे दो माइक, दे दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, माइक दे दो इन्हें, माइक मुंह के पास रखना। तो 7 साल से मेडिसिन खा रहे थे पेट की दर्द की? हाँ जी, 7 साल से मेडिसिन खाती थी, अल्ट्रासोनिक, एक्सीरा, शरीर की सारी चेकअप हुई, शरीर में कुछ आता ही नहीं था। अच्छा, मतलब टेस्ट करवाते थे, कुछ आता ही नहीं था? हाँ जी, कुछ नहीं आता था। तो फिर उसके बाद और आपको क्या क्या आ गया बीमारी, जो बताओ? उसके बाद टाइफाइड आ गया, फिर टीबी की प्रॉब्लम आ गई। टाइफाइड, ये इस पेट के रोग के बाद कितने टाइम बाद आया था टाइफाइड? अभी अभी ठंडियों में आई थी सर। उसमें उसके बाद ये इन दिनों में टाइफाइड आ गया? हाँ जी, इन दिनों। उसके बाद फिर? उसके बाद बाद में फिर मैं यहाँ आई। फिर नहीं, सारे पहले अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। टाइफाइड के बाद में फिर मैं टीबी के बाद में टेस्ट करा, टीबी आई उसमें, फिर टीबी आ गई। हाँ जी। फिर आपने यहाँ पे आना शुरू कर दिया? हाँ जी, मैंने यहाँ पे आना शुरू किया। क्या जब आप आते तो
क्या आप जहाँ पे जब आते थे क्या सुनते थे, क्या विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे इन सब रोगों से चंगा कर सकते हैं कि नहीं? मैं गवाही सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था परमेश्वर की, जितनी वचन सुनती थी कि परमेश्वर हर किसी के दुख दूर करने वाले परमेश्वर आ गए, जरूर मेरे भी दुख जरूर दूर करेंगे वो। आप समझ गए कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन दुख दूर करता है, ये बात आपको समझ आ गई? हाँ जी परमेश्वर। तो आपको समझ आ गई कि दुख दूर करने वाला परमेश्वर मेरे जीवन में भी आ गया है, तो अब मेरे भी दुख क्या कर देगा, दूर कर देगा परमेश्वर, क्या दूर कर देगा। तो जब भी आप गवाहियां सुनते थे तो जो भी आप गवाहियां सुनते थे तो आप विश्वास करते कि अगर परमेश्वर ने इन्हें चंगा कर दिया, इन्हें फ्री कर दिया, तो मुझे भी क्या करेगा, मुझे भी फ्री करेगा परमेश्वर। मैं हमेशा खुश रहती थी कि परमेश्वर, मैं जितनी गवाही सुनती मैं हमेशा खुश रहती थी कि मुझे भी चंगा करेगा परमेश्वर एक दिन। ये कहते मैं जब भी गवाहियां सुनती थी मैं खुश रहती थी कि परमेश्वर मुझे भी क्या करेगा, कहते मेरी बात सुन रहे। कई लोग सुनते जरूर हैं पर शरीर पर मन लगाते हैं, कई रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्या रहते हैं बोलो, कई सुनते तो वो भी है सब, तो कई बार जो लोग सुनते हैं वो सोचते रहते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं, चिंता करते हैं। तो ये कहती जब मैं गवाहियां सुनती थी तो मैं आनंद करती थी, मैं खुश होती, क्या होती थी बोलो, क्योंकि ये किसका वचन है, आनंद करो, मैं फिर कहता हूं, अब ये वचन को पूरा कर रही थी। अब छुटकारा तो मिलेगा ही क्योंकि परमेश्वर ने कहा चिंता नहीं करनी, तो ये नहीं कर रही। जो गवाहियां सुन रही तो कहती मैं खुश हो रही थी, मैं आनंद कर रही थी, अगर परमेश्वर ने इन्हें फ्री कर दिया, चंगा कर दिया, तो मुझे भी क्या करेगा, क्या करेगा बोलो, मुझे भी चंगा करेगा। कई लोग सुनते तो जरूर हैं, गवाहियों को देखते हैं, सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, पर शरीर पर मन लगाकर चिंता, सोच, बोझ में, डिप्रेशन में रहते, पर इसने ऐसा नहीं किया। आज कितने दिन हो गए आपको? चौथा महीना लग गया पापा नहीं जी। फ्री हुए कितना टाइम? तो 3 महीने अब आई, मैं जब से यहाँ 1 दिन में आई तो टाइफाइड पूरा ठीक हो गया मेरी। पहले दिन आए थे टाइफाइड, उस दिन ठीक हो गया? हाँ जी। लो जी तारीफ करो। हाँ पहले दिन आए टाइफाइड, पहले दिन ही फ्री हो गया। जिसको टाइफाइड होता है ना उसका शरीर टूटा रहता है, मतलब थकावट रहती है जिसको टाइफाइड है। फिर बाकी जो प्रॉब्लम थी वो कितने दिन के बाद चलेगी? बाकी अब चले गई है 1 हफ्ते पहले, अभी मैंने टेस्ट करवाया था तो टीबी की प्रॉब्लम भी नॉर्मल आ गई। अच्छा तो जो 1 हफ्ता पहले टेस्ट कराया टीबी की प्रॉब्लम भी नॉर्मल आ गई, और जो 7 साल का पेट का दर्द था वो भी हट चुका है, पूरा फ्री कर चुके हैं। कितनी मेडिसिन कितनी खाते थे हफ्ते की? बहुत मेडिसिन खा चुके हैं। कितने दिन की कितनी मेडिसिन खाते थे? 3 दिन की पेट दर्द की आती थी 500 की दवाई। और ये कितने 7 सालों से चल रही थी? हाँ जी शादी से पहले से ही पेट दर्द मेरी बहुत ज्यादा, पेट दर्द की भाई 7 साल से दर्द चल रही थी, 3 दिन की 500 की दवाई, और 7 साल से ये खा रही थी। टेस्ट कराती, टेस्ट में आता ही कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब रोग बीमारियां किसकी ओर से, किसकी ओर से बोलो, किसकी ओर से? तो अब ये किसके पास आई? वो छुटकारा देने वाले सच्चे खुदा के पास। हाँ जो पूरी दुनिया के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा है, जिसने सारे दुनिया के पाप, दुख, मुसीबतों को, दुखों को क्रूस पर उठा लिया, और इसने उसको जाना और विश्वास किया। और जो भी गवाहियां सुनती थी वो सुनकर कहती मैं खुश होती थी, मैं आनंद करती थी, और आज आपके सामने पूरी तरह से ये फ्री। जोर से हाथों को हिलाकर तारीफ करो। जिंदगी दे रोग ते बीमारी, ये छोटी बात नहीं है क्योंकि ये नए, इसे ज्यादा टाइम नहीं ना हुआ अभी, बोलो क्या है, पर सुनकर ये पकड़गी, बातों को पकड़गी कैसे परमेश्वर काम करता है। एक तो उसे समझ गई जीवित परमेश्वर को, कि वो छुटकारा देने वाला जो परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर, समझ गई, और समझकर उन बातों को सही से विश्वास से। अच्छा कुछ कहना चाहते हैं और भी? हाँ माइक चालू करो। पापा जी मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं
इतनी दवाइयाँ खाती थी, कितने पैसे खर्च होते थे, हमारे पास पैसे नहीं रहते थे बच्चे को स्कूल डालने के लिए। अच्छा। और आज परमेश्वर की कृपा से मैं अपने बच्चे को भी स्कूल डाल चुकी, मेरे घर में कूलर टीवी सब आ चुका है। वो देख लो, सुनो इस गवाही को, सुनो सुनो सुनो, इस गवाही को छुपाना नहीं है, दूसरों को बताना है कि मुझे कितने सालों से आप बंधन में थे ना, बंधन में थे ना एक, तो किसने आजाद किया? परमेश्वर ने आजाद किया। तो फिर जिसने आजाद किया तो उसके बारे बताना है, अपने सारे रिश्तेदारों को बताना है, जहां पे भी रहते हो, जहां पर भी जाओगे, उस खुदावंद के नाम की महिमा करनी है। इस गवाही को दूसरों से शेयर करना है, जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफों में, तुम चाहते हैं ना कि वो भी लोग छूट जाएं। तुम कितने सालों से परेशान थी? हाँ जी पापा जी, मैं बहुत सालों से परेशान थी, बहुत दवाई खा चुकी, पूरे शरीर मेरी इसलिए पतली हो गई है। अच्छा, पतली होगी खाकर दवाई। अब क्या, और आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, थोड़ा बताओ, क्या मैसेज देना चाहते हो? आपके परमेश्वर ने आपको चंगा किया है। मैं विश्वास में ऐसे ही बने रहे, सब परमेश्वर को खुशी से, जो भी दुख हो आती है पर खुशी से परमेश्वर के तरफ अपना ध्यान लगाओ, परमेश्वर अपने सब दुख दूर कर देंगे। ये देख लो, कहते जो भी दुख आती है, जो भी दुख आती है उस पर ध्यान ना करो, खुशी से आनंद के साथ उसके साथ जियो। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। रोग ते बीमारियां हवा दे विच उड़ जानेंगे, तेरी जिंदगी दे रोग ते बीमारियां हवा दे विच उड़ जानेंगे, तेरी जिंदगी दे रोग ते बीमारियां हवा दे विच